سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبص الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبي ये दीन नया नहीं है, ये दीन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, सब ने एक ही दीन की दावत दी है और उन सब का दीन यही इस्लाम था। जबानें बदलती गईं, मजहब का नाम उस जबान में वही होता रहा, लेकिन दावत वही थी। अल्लाह ताला ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसी तौर पर मुखातब करके फरमाया, अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तुम्हें कोई नया दीन देकर नहीं भेजा, इतना जहन साफ कर लीजिएगा। अल्लाह ताला नबी से भी कह रहा है, मैंने तुम्हें कोई नया दीन देकर नहीं भेजा, उसी दीन को नाफिज करने का हुक्म मैंने तुम्हें दिया है जो दीन आपसे पहले और भी पैगंबर लेकर गए थे। शरअ लकुम मिन अद्दीन मा वस्सा बिही नूहं वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमु अद्दीन। हमने उसी दीन को मशरू करार दिया, उसी दीन के निफास कर नाफिज करने का हुक्म आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको दिया, जिस दीन के निफास का, जिस दीन को नाफिज करने का हुक्म, जिस दीन की वसीयत हमने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को की थी, आपसे पहले जो दीन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए, वल्लज़ी औहैना इलैक, और मैंने उसकी वही आपकी तरफ कर दी, इस बात को की खबर मैंने आपको दे दी, वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा, और इसी दीन के नाफिज करने का हुक्म हमने इब्राहिम को भी दिया था, मूसा को भी दिया था, ईसा को भी दिया था, उन दोनों को भी, उन सबको भी मैंने यही हुक्म दिया था, अनकीमुद्दीन, दीन को कायम रखना, वला ततफर्रकू फी, और इसके अंदर कोई तफरका मत फैलाना, कोई इसके अंदर गिरोहबंदी मत करना, कोई तफरका मत डालना इसके अंदर। हमारी सबसे बड़ी कमी ये होती है कि हम इस्लाम को गैर मुस्लिमों के सामने एक नए दीन की शक्ल में पेश करते हैं और दूसरे के दीन को हम गलत कहते हैं, नहीं तुम्हारा दीन गलत है। नहीं, दुनिया में जितने भी नबी आए सबका दीन इस्लाम, दीन कोई गलत नहीं, सिर्फ इतना हमें हुक्म दिया गया है कि पुराने जमाने में जो नबी आए उनकी शरीयतें मनसूख करार दे दी गई हैं, क्योंकि कजरुओं ने उसके अंदर कजरवी मिला दी है, बहुत सी गलत चीजों की आमेजिश कर दी है। जब एकेश्वरवाद के अंदर बहु ईश पूजा और बहु देवबादियत शामिल कर दी गई, एक अल्लाह की इबादत की जगह पर जब बहुत से देवी देवताओं की पूजा होने लगी और बहुत से माबूदा ने बातिला को अपना माबूद और रब मान लिया गया, तब तब अल्लाह ताला नए सिरे से उस दीन को नाफिज करने के लिए पैगंबरों को भेजता रहा, और लास्ट में उसने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। सारे नबियों को किसी खास कौम के लिए भेजा, किसी खास कबीले के लिए भेजा, किसी खास मखसूस जात और बिरादरी के लिए भेजा, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने आम इंसानियत के लिए, खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे पांच ऐसी चीजें दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई, और उसमें से एक चीज मेरी ये भी है खास, बुइस्तु इला आम्मतिन नास, मुझे सारी इंसानियत के लिए रसूल बनाकर भेजा गया है ये। लेकिन कहीं ये नहीं कहा गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नया दीन लेकर गए। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें।